दोस्तों सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के चेयरमैन भारत भूषण भारती का कहना है कि 16 मई से हरियाणा में जारी होंगे हजारों भर्तियों के विज्ञापन। यानी कि जो भर्तियां पीछे निकाली थी और अब रद्द कर दी गई थी, उनको री एडवर्टाइज करने की बात चल रही थी, उसके बारे में ही ये सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं कि बोर्ड के चेयरमैन ने कहा है कि कल से ही भर्तियों के विज्ञापन री एडवर्टाइज होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अभी तक हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन की वेबसाइट पर ऐसा कुछ नोटिस नहीं आया है। ये सिर्फ हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन से संबंधित जो खबरें हैं सोशल मीडिया पर ही चल रही हैं। इससे संबंधित जो खबरें होंगी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन की वेबसाइट पर आएंगी, तभी उनको वैलिड माना जाएगा। अभी तक ऐसा वेबसाइट पर कुछ आया नहीं है। देखते हैं कल क्या रहता है। अगर कोई इससे संबंधित अपडेट आएगी तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। वैसे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की अगर बात करें तो उन्होंने अपनी डेट 22 मई तक बढ़ा दी है। नायब तहसीलदार के फॉर्म निकले हुए थे, कुछ पोर्टल में गड़बड़ थी, पहले तो 15 मई थी, अब 22 मई कर दी गई है। तो आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो 22 मई अप्लाई करने की लास्ट डेट है HPSC की। और HSSC से संबंधित जो भी अपडेट होगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद।